वेलकम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं झटपट से तैयार हो जाने वाली आलू की बहुत ही आसान दो अलग अलग रेसिपीज। पूरी वाली आलू की सब्जी और आलू ड्राई मसाला, दोनों ही बहुत आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके लिए टोटल मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और 3 आलू को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है ड्राई मसाला बनाने के लिए, और 2 आलू मैंने मैश करके रख लिया है पूरी वाली सब्जी बनाने के लिए। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे आलू ड्राई मसाला। उसके लिए पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच हींग डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई लहसुन। हल्का सा उसको सॉटे कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें जो हमारे स्क्वायर शेप में हमने आलू काटे हैं वो डाल देते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक और हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हल्के से आप इसे मिक्स कर दें और इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसको मीडियम हीट पे फ्राई होने देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, तो 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर। धीमी आँच पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और बस हमारा आलू ड्राई मसाला बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बढ़िया चटपटे आलू तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे रोटी दाल या फिर चावल दाल के साथ कॉम्बिनेशन में साइड डिश के तौर पे बना के खा सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। तो आप एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी करी की तरफ, वो है पूरी वाली आलू की सब्जी। इसके लिए पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच हींग। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 प्याज, मैंने कद्दूकस करके प्याज लिया है, आप बारीक काट के ले सकते हैं। तो इस तरह से प्याज को हमें मीडियम से लो आंच पे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज का रंग चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसका रंग अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुका है, मतलब ये अच्छे से भून चुका है। अब मसाले डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। बिल्कुल लो आंच पे ही हमें मसालों को भूनना है। हल्का सा मसाला भून के हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। इस तरह से हमारी ग्रेवी को थोड़ा सा स्मूथ बना देते हैं। इसे अच्छे से भून के हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। अब हमें टमाटो प्यूरी को भी अच्छे से पकाना है, इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो जाना चाहिए और मसाला अच्छे से भून के तैयार हो जाए। तो इसके लिए इसको एक बार मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढक के 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे रहने देंगे। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से भून चुका है, चारों तरफ से ऑयल निकल गया है, तो हमारा मसाला ऑलमोस्ट भून के तैयार है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें एक बार उबाल आने देंगे हम। जैसे ही हमारी जो ग्रेवी है उसमें उबाल आने लगेगा, हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। उसके साथ ही साथ जो हमारे उबले हुए आलू हमने मैश करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसे हम ढक कर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पाँच मिनट बाद देखिए इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, यानी हमारी ग्रेवी एकदम बढ़िया से तैयार हो गई है। तो हम इसमें इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें डालेंगे, वो है 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचूर, 1/4 चम्मच अमचूर लिया है।
दोस्तों करी को टेस्ट करके अगर खटास की ज़रूरत है तो ही आप अमचूर डालें, न तो ना डालें, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ करके हम 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि जो हमारी धनिया डाला है उसकी खुशबू और टेस्ट भी हमारे इसमें अच्छे से आ जाए। तो बस अब हम इसे प्लेट में ले लेते हैं, सर्व कर देते हैं। तो ये हमारी पूरी वाली आलू की सब्जी भी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से हमने बहुत ही ईजी से क्विकली 2 डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार कर ली।